नमस्कार, द वायर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं ऋतु तोमर और एक नज़र सुर्खियों पर। डिजिटल मीडिया पर लगाम लगाने की तैयारी, केंद्र सरकार ला रही है नया विधेयक। कश्मीर में पाबंदियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित। महाराष्ट्र विधानसभा के विशेष सत्र में 285 विधायकों ने शपथ ली। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा, भ्रष्टाचार के मामले में कश्मीर के शीर्ष नेताओं को जेल जाना पड़ेगा। उर्दू फारसी शब्दों का इस्तेमाल रोकने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस से मांगी FIR की कॉपी। और अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार 150 साल पुराने प्रेस और पुस्तक पंजीकरण यानी PRB अधिनियम 1867 में बदलाव लाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत अखबारों, पत्रिकाओं और किताबों का रजिस्ट्रेशन किया जाता है, लेकिन अब सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इसकी जगह पर प्रेस और पत्रिका पंजीकरण यानी RPP विधेयक 2019 का मसौदा तैयार किया है। प्रेस एवं पत्रिका पंजीकरण यानी RPP विधेयक 2019 के मसौदे में डिजिटल मीडिया को भारत के समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया यानी RNI के तहत लाने की तैयारी की जा रही है। फिलहाल डिजिटल मीडिया देश की किसी भी संस्था के साथ रजिस्टर्ड नहीं है। हालांकि PRP अधिनियम 1867 के पिछले संशोधनों का उपयोग पेड न्यूज से लेकर गंभीर मुद्दों को संबोधित करने या गैर गंभीर प्रकाशनों पर जुर्माना लगाने के लिए किया जाता था। 25 नवंबर को सार्वजनिक किए गए इस मसौदे विधेयक पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सभी पक्षों से एक महीने के भीतर उनके सुझाव मांगे हैं। मसौदा विधेयक के अनुसार सरकार ने प्रस्ताव दिया है कि डिजिटल मीडिया पर समाचार के प्रकाशक RNI के साथ खुद को रजिस्टर्ड करेंगे। मसौदा विधेयक का भाग 8 डिजिटल मीडिया से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि डिजिटल मीडिया पर समाचारों के प्रकाशक खुद को RNI के साथ पंजीकृत करेंगे। मसौदे विधेयक में उन्हीं लोगों को प्रकाशन का अधिकार दिया गया है जिन्हें आतंकवादी अधिनियम या गैर कानूनी गतिविधि से जुड़े अपराध या राज्य की सुरक्षा के खिलाफ कुछ भी करने के लिए किसी भी अदालत द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया। इसमें कहा गया है कि आतंकवादी अधिनियम या गैर कानूनी गतिविधि को गैर कानूनी गतिविधियाँ रोकथाम अधिनियम यानी UAPA की धारा 2 की उपधारा 1 के खंड के और ओ के अनुसार परिभाषित किया जाएगा। PRB अधिनियम के विपरीत प्रिंट और ऑनलाइन समाचार प्लेटफॉर्म को विनियमित करने के लिए नए विधेयक में एक महत्वपूर्ण प्रावधान ये किया गया है कि प्रकाशक के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार किसी स्थानीय अधिकारी के पास नहीं होगा। प्रस्तावित कानून मजिस्ट्रेट जैसे स्थानीय अधिकारियों को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने या कानून के प्रावधानों के उल्लंघन के कारण उपकरण जब्त करने की शक्तियाँ नहीं देता। हालांकि नए विधेयक में प्रेस रजिस्ट्रार की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है जिसके पास कानून में उल्लंघन करने पर प्रकाशक के पंजीकरण को रद्द करने का अधिकार होगा। विधेयक केंद्र सरकार और राज्य सरकार को समाचार पत्रों में सरकारी विज्ञापन जारी करने, समाचार पत्रों की मान्यता और उनके लिए अन्य सुविधाओं के लिए नियमों और विनियमों को विनियमित करने के लिए सक्षम बनाता है। मसौदे विधेयक में किताबों के पंजीकरण से जुड़े मौजूदा प्रावधानों और इससे जुड़े मामलों को हटाने का प्रस्ताव है। सरकार की वेबसाइट के अनुसार प्रेस और पुस्तक पंजीकरण का मूल अधिनियम एक नियामकी कानून था जो कि सरकार को प्रिंटिंग प्रेस और समाचार पत्रों को पंजीकरण की प्रणाली द्वारा रेगुलेट करने और उनकी प्रतियों और अन्य सामग्रियों को संरक्षित रखने का अधिकार देता था। और अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में लगाई गई पाबंदियों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई पूरी कर ली है। मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। राज्य में ये पाबंदियां संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधान खत्म किए जाने के बाद लगाई गई थी। न्यायमूर्ति NV रमन, R सुभाष रेड्डी और BR गवई की पीठ ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद और कश्मीर टाइम्स की कार्यकारी संपादक अनुराधा भसीन और कई अन्य की याचिकाओं पर सभी पक्षों को विस्तार से सुना। गुलाम नबी आज़ाद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले को वे समझते हैं, लेकिन इस वजह से घाटी की समूची 70 लाख की आबादी को ताले में बंद नहीं किया जा सकता। अनुराधा भसीन की ओर से अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने इन पाबंदियों को असंवैधानिक बताया। उधर जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने राज्य में इंटरनेट सेवाओं पर लगाई गई पाबंदियों को मंगलवार को न्यायोचित ठहराया, यानी उन्होंने इसे सही बताया है। उनका कहना था कि लड़ाई भीतर के सक्रिय दुश्मनों से नहीं बल्कि सीमा पार से सक्रिय शत्रुओं से भी है। तुषार मेहता ने कहा कि पाकिस्तानी सेना अफगान तालिबान और अन्य आतंकी समूहों के आधिकारिक ट्विटर हैंडल्स पर जम्मू कश्मीर की जनता को भड़काने वाले हजारों संदेश हैं। उनका कहना था कि पाकिस्तानी सेना का दुष्प्रचार चल रहा है, यदि हमने एहतियाती कदम नहीं उठाए होते तो हम अपने कर्तव्यों का पालन करने में असफल हो जाते।
केंद्र ने भी 21 नवंबर को अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधान खत्म किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में लगाई गई पाबंदियों को न्यायोचित ठहराया था। उनका कहना था कि एहतियात के तौर पर उठाए गए कदमों की वजह से घाटी में एक भी व्यक्ति की जान नहीं गई और ना ही सुरक्षा बलों को एक भी गोली चलानी पड़ी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र की 14वीं विधानसभा का विशेष सत्र बुधवार को शुरू हुआ, जिसमें नव निर्वाचित 285 सदस्यों को शपथ दिलाई गई। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा नियुक्त किए जाने के बाद प्रोटेम स्पीकर कालिदास कोलामबरकर ने मंगलवार को शपथ ली। विधान भवन के एक अधिकारी ने बताया कि 288 सदस्य सदन में, 2 सदस्यों भाजपा के सुधीर मुनगंटीवार और स्वाभिमानी पक्ष के देवेंद्र भुईयार ने बुधवार को शपथ नहीं ली। वहीं गुरुवार शाम लगभग 6:30 बजे के आसपास शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पद पर शपथ लेंगे, जिसके बाद मंत्रिमंडल की बैठक होगी। कांग्रेस में सूत्रों का कहना है कि अध्यक्ष पद के लिए चुनाव 30 नवंबर को होगा। इससे पहले आज सुबह जैसे ही एनसीपी नेता अजीत पवार शपथ लेने विधानसभा पहुंचे तो पार्टी नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। पार्टी मुखिया शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले पहले अपने चचेरे भाई के गले लगी और फिर उनके पैर छुए। इससे पहले अजीत पवार के भाजपा के साथ मिलने के बाद सुप्रिया सुले ने कहा था कि परिवार और पार्टी टूट गई है। अजीत पवार ने शनिवार को तब सबको चंगा दिया था जब उन्होंने देवेंद्र फडणवीस सरकार में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इससे एक दिन पहले ही वो शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की उस साझा बैठक में नजर आए थे जिसमें उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने पर सहमति बनी थी। इस बारे में पूछने पर अजीत पवार ने कहा कि अभी उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन वे उचित समय आने पर इसके बारे में बताएंगे। उनका यह भी कहना था कि वे एनसीपी में ही थे, एनसीपी में हैं और यहीं पर रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे के शपथ ग्रहण को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने चिंता जताई है। अदालत ने कहा है कि सार्वजनिक मैदानों पर इस किस्म के कार्यक्रमों को आयोजित करने का ये सिलसिला नियमित नहीं होना चाहिए। न्यायमूर्ति SC धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति RI छागला की खंडपीठ ने कहा कि ऐसा ही रहा तो हर कोई इस तरह के कार्यक्रम के लिए मैदान का इस्तेमाल करना चाहेगा। हाईकोर्ट गैर सरकारी संगठन विकम ट्रस्ट की एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था। इसी संगठन की जनहित याचिका पर साल 2010 में हाईकोर्ट ने इस क्षेत्र को साइलेंस जोन घोषित कर दिया था। उद्धव ठाकरे गुरुवार शाम को 6:40 पर शिवाजी पार्क में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के एक पूर्व मुख्यमंत्री सहित कई शीर्ष नेता भ्रष्टाचार के मामले में जेल जा सकते हैं। गोवा के राज्यपाल मलिक ने कहा कि भ्रष्टाचार की वजह से इन नेताओं ने दुनिया भर में घर खरीदे हैं और कई होटलों में इनकी पार्टनरशिप है। मलिक ने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में एक कथित बैंक रोजगार घोटाले को भी उजागर करने में मदद की, जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री और अन्य विधायक प्रत्यक्ष तौर पर शामिल हैं। सत्यपाल मलिक ने मंगलवार को 70वें संविधान दिवस के मौके पर गोवा यूनिवर्सिटी ग्राउंड्स में कहा कि जो लोग वहां लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए, 2 पीढ़ी पहले तक उनके दादा स्कूल टीचर हुआ करते थे, लेकिन आज उनके श्रीनगर, दिल्ली, दुबई, लंदन और फ्रांस में घर हैं और कश्मीर में कई होटलों में पार्टनरशिप है। उन्होंने कहा कि मैंने कई बार लोकतंत्र का दुरुपयोग होते देखा है, लेकिन इसका इलाज भी लोकतंत्र ही है। इनकी जाँच की जा रही है और इनमें से कुछ को जेल जाना पड़ेगा। राज्यपाल ने कहा कि उन्हें सबसे पहले 2 जमीन सौदों का पता चला था, जिससे कुछ सत्तारूढ़ नेताओं ने इसे प्रत्येक को 150 करोड़ रुपए का फायदा हुआ था। मलिक ने कहा कि जब कुछ युवा उम्मीदवार उनसे मिलने राजभवन के गेट पर पहुंचे थे तो उन्हें बैंक रोजगार घोटाले का पता चला। उन्होंने कहा कि लगभग 20 उम्मीदवारों का ये कहना है कि उन्होंने मेरिट लिस्ट में टॉप किया, लेकिन राजनीतिक दबाव की वजह से उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। जम्मू एंड कश्मीर बैंक के अध्यक्ष से पूछताछ करने पर मलिक को पता चला कि राजनीतिक हस्तक्षेप की वजह से परीक्षा पास कर चुके लगभग 580 उम्मीदवारों को दरकिनार किया गया था। मलिक ने कहा कि 580 उम्मीदवारों ने परीक्षा और साक्षात्कार पास किया था, लेकिन मुख्यमंत्री ने विधायकों को उनके लोगों को भर्ती करने को कहा। मैंने कहा कि 580 उम्मीदवारों को नियुक्त करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई नियुक्तियाँ नहीं होंगी। गोवा के राज्यपाल ने कहा कि जिन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया है उन्हें जेल हो सकती है। और अब रुक करते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की तरफ। दिल्ली हाई कोर्ट ने शहर के विभिन्न पुलिस थानों से 100 FIR की प्रतियां मंगाई हैं, ताकि ये पता चल सके कि शिकायतें दायर करने में उर्दू या फारसी भाषा के 383 शब्दों के इस्तेमाल को रोकने के एक हालिया पुलिस परिपत्र का पालन हो भी रहा है या नहीं। राजीनामा, तहरीर, अदम तामील, मुजरिम, गुफ्तगु, संगीन अपराध और जैर तफ्तीश, ये कुछ ऐसे उर्दू और फारसी के शब्द हैं जो उन 383 शब्दों में से एक हैं जिन्हें FIR में इस्तेमाल नहीं करने का परिपत्र जारी किया गया।
अदालत का कहना है कि FIR में इस्तेमाल में लाई जाने वाली भाषा जो है वो सरल होनी चाहिए, जो आम लोगों को समझ में आ सकें। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि अगली तारीख पर पीठ के समक्ष हलफनामे के साथ कम से कम 100 FIR की जो प्रतियां हैं वो पेश की जानी चाहिए। इससे पहले अगस्त महीने में दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस DN पटेल और जस्टिस C हरिशंकर की पीठ ने कहा था कि पुलिस को FIR दर्ज करने के दौरान अधिक अलंकृत यानी फ्लोरी भाषा का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि FIR आम लोगों के लिए होती है। FIR की भाषा इस तरह की होनी चाहिए कि इसे समझने के लिए किसी को संस्कृत, उर्दू या फिर फारसी भाषा में डॉक्टरेट की उपाधि की ज़रूरत ना पड़े। 20 नवंबर को DCP राजेश देव ने सभी DCP को एक मेमो जारी किया था, जिसमें FIR दर्ज करते समय सरल शब्दों का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए गए थे। इस मेमो में कहा गया था कि दिल्ली पुलिस मुख्यालय ने उर्दू और फारसी शब्दों की एक सूची तैयार की है, जिन्हें हिंदी और अंग्रेजी के शब्दों के साथ साथ दिल्ली पुलिस के दैनिक कामकाज में इस्तेमाल में लाया जा रहा है। आपके तहत काम कर रहे अधिकारियों को इस तरह के उर्दू फारसी शब्दों के इस्तेमाल से बचने के लिए सचेत होना चाहिए। जहाँ तक संभव हो सरल शब्दों का उपयोग किया जाए, जिसे आम लोग आसानी से समझ सकें। पीठ ने कहा कि FIR अदालत में बार बार पढ़ी जाती है और इसलिए इसे सरल भाषा में होना जरूरी है। अदालत ने अधिवक्ता विशालाक्षी गोयल की जनहित याचिका पर ये निर्देश दिया। अब मालूम हो कि सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने पीठ के समक्ष उर्दू और फारसी के ऐसे 383 शब्दों की सूची पेश की थी। अदालत ने इस मामले पर अगली सुनवाई जो है वो 11 दिसंबर के लिए निर्धारित की है। आज बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप द वायर की हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और मराठी वेबसाइट से जुड़े रहें। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।